सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंकेव मिरर से हम लोग इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। आप लोगों ने डायग्रामेटिक बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि जिसके साथ कैसे इमेज फॉर्म किया जाता है। तो मुझे आप में से किसी को एज ए वॉलंटियर यहाँ पे चाहिए, कौन आना चाहेगा? तुम आज तो देखो, ये एक कंकेव मिरर, ठीक है? तो इससे देखो इसका ओपन कितना क्या लगता है? ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ क्वाड्रेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फोल पे एक मिरर को रख रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, कंकेव मिरर। और ये हमारे पास एक स्क्रीन है और हम इस कैंडल को जलाने वाले हैं, जो हमारे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, जो कि एक पॉइंट है बियॉन्ड सी, सी के पीछे रख रहा है। आप देखेंगे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब अगर मैं इस स्क्रीन को यहाँ पे रख, तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज बनता हुआ दिख रहा है। अब हम एक स्क्रीन को रख रहे हैं हमारा सी और एफ के बीच में। तो देखो, अगर मैं इस स्क्रीन को कुछ ज्यादा दूर रख देता हूं, तो उससे क्या हो रहा है, इमेज पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब लेट्स ब्रिंग इट क्लोजर, मैं धीरे धीरे इसको पास ला रहा हूं। देखो यहाँ पे एक बहुत क्लियर इमेज दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ। तो अगर मैं इसको कुछ ज्यादा क्लोज ले आऊंगा तो इमेज देखो ब्लर हो रहा है, और ज्यादा पीछे ले जाऊंगा तो भी ब्लर हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे तुमको क्लियर इमेज दिख रहा होगा, और दिस पॉइंट इज बिटवीन सी एंड एफ। सो अगर हम लोग इमेज को बियॉन्ड सी रखते हैं, तो ये प्रूव होता है कि हमारा जो इमेज है वो कहां पे फॉर्म होता है, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रख रहे हैं। तो इमेज अकॉर्डिंग टू डायग्राम, द इमेज शुड फॉर्म एट बियॉन्ड सी। सो आई एम प्लेसिंग माई स्क्रीन बियॉन्ड सी। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इमेज दिख रहा होगा, और ये जो इमेज है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन्वर्टेड है, ठीक है? और इसका साइज जो है वो एनलार्ज हो रहा है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है, जो इमेज का साइज है वो एनलार्ज हो रहा है और ये इन्वर्टेड है। तो ये था एक्सपेरिमेंट कंकेव लेंस को लेके। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म से कैसे एक्सपेरिमेंट करना है।